इस साल 19 सितंबर को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। वैसे तो हर माह में दो चतुर्थी तिथि पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तिथि चतुर्थी तिथि को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश जन्मोत्सव के रूप में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गणेश जी की कुछ प्रिय चीजें हैं जो आपको उनके भोग लगाते समय जरूर ध्यान रखनी चाहिए, और आप इनका भोग लगाते भी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को लड्डू इतने प्रिय क्यों हैं कि हर कोई गणेश जी को लड्डू का भोग लगाता है, और साथ ही गणपति के हाथ में हम हमेशा लड्डू देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गणेश जी को लड्डू इतने प्रिय क्यों हैं। कई कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्ति से माता पार्वती की श्रद्धा में एक दिव्य लड्डू उत्पन्न किया। जब भगवान शिव के दोनों पुत्रों ने इसे मांगा तो पार्वती ने उन्हें पहले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को कहा। तब गणपति महाराज ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और वो दिव्य लड्डू हासिल कर लिया। कहते हैं कि तभी से भगवान गणेश को लड्डू या मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। मीठा सा होने वाला लड्डू केवल लड्डू नहीं है, इस लड्डू में कई खास बातें और गुण हैं। जी हाँ, लड्डू की गोल आकृति और गोल दाने बुद्ध का प्रतीक हैं। लड्डू की मिठास सूर्य मंगल ग्रह से संबंध रखती है। इसकी सुगंध का चंद्रमा से संबंध है। इसमें पड़ने वाले मेवे शुक्र ग्रह का प्रतीक है। लड्डू का पीला रंग बृहस्पति को दर्शाता है। ज्योतिषों का कहना है कि एक लड्डू अकेला 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है। ज्योतिष और ग्रहों के लिए बूंदी वाला लड्डू सर्वोत्तम माना गया है। videodex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।